कम बैक डियर स्टूडेंट तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए यूट्यूब चैनल के वीडियो में तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड एशेंशियल अमाइनो एसिड क्या रहते हैं तो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि हमारे बॉडी को उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है वो हमारे बॉडी को चाहिए ही चाहिए या फिर उन्हें ही दूसरा नाम है इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड तो इनडिस्पेंसीबल अमाइनो एसिड या फिर उन्हें इसेंशियल अमाइनो एसिड दोनों या फिर कौन सा भी नाम आप ध्यान में रखिए लेकिन एग्जाम पे टाइम एग्जाम के टाइम पे जो है आपको इशेंशियल अमाइनो एसिड करके ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड करके पूछा जाता है तो आपको दोनों ही नाम जो है वो अच्छे से ध्यान में रखने तो ईशेंशियल अमाइनो एसिड रहते क्या है तो ईशेंशियल अमाइनो एसिड दे आर दी अमाइनो एसिड वो ऐसे अमाइनो एसिड रहते हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वो बॉडी में मैन्युफैक्चर नहीं होते वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते तो वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमें वो मिलेंगे कैसे तो सो दे आर मस्ट बी सप्लाइड इन एन एडोक्ट अमाउंट टू द डाइट तो वो हमें एडोक्वाइड अमाउंट में जो डाइट हम लेते हैं मतलब जो खाना हम खाते हैं उस खाने के साथ जो है वो हमें ईशिनशेल अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो भी हमें जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी क्वांटिटी में मिलते तो वो कौन कौन से अमाइनो एसिड है और कितने हैं तो द फॉलोइंग आर द एट इशेंशियल अमाइनो एसिड वो आठ प्रकार के इशेंशियल अमाइनो एसिड है जिसमें आता है ट्रिप्टोफैन वैलिन फिनीला अमाइन मिथियोनाइन लाइसिन ल्यूसिन थ्रियोनाइन एंड आइसोल्यूसिन तो एक बार फिर से ट्रिप्टोफैन वैलिन फिनिला अमाइन मिथियोनाइन लाइसिन ल्यूसिन थ्रियोनाइन आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफेन फिनिलइन लाइसिन थ्रियो थ्रियोनाइन वैलिन मिथ्योनाइन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन दीज आर दी एट एशंशियल अमाइनो एसिड और दीज आर दी एट दस्पेंसेबल अमाइनो एसिड तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कभी कभी पूछा जा सकता है तो इसके बारे में डिस्कशन करते ऑल दीज एट अमाइनो एसिड्स आर एशेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम तो देखिए जो एट प्रकार के अमाइनो एसिड है जैसे ट्रिप्टोफेन फिनीलाम लाइसिन थ्रियोनिन वैलिन मिथ्योनाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन वो क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी के ग्रोथ को अच्छे से मदद करते हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ द नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम और जो नाइट्रोजन का इक्विलिब्रियम रहता है बॉडी में उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है एट टाइप्स ऑफ एशेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन वैलिन फिनलामाइन मिथियोनाइन लाइसिन ल्यूसिन थ्रियोनाइन एंड आइसो ल्यूसिन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एशेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन इट तो देखिए जो भी हम प्रोटीन एडमिनिस्टर करते हैं हमारे बॉडी में जो भी हम डाइट लेते हैं उसमें जितने क्वांटिटी में इशेंशियल अमाइनो एसिड है उसके बेसिस पर जो हम डाइट ले रहे हैं वो न्यूट्रिशनल है या नहीं उसकी जानकारी हमें मिलती है जैसे कि अगर आपने सपोज़ आपने एक न्यूट्रिशनल फूड खाया जैसे कि बादाम खाया आपने तो उसमें आपको ज़्यादा इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे इसीलिए वो फूड कैसा है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है उसके ही कंपैरिजन में अगर आपने रोटी खाई तो रोटी में क्या होगा एसेंशियल अमाइनो एसिड है लेकिन बादाम के मुताबिक कम है इसलिए रोटी की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम रहेगी उसके बाद केसिन ऑफ द मिल्क कंटेन ऑल दीज इसशियल अमाइनो एसिड जो मिल्क में केसिन प्रेजेंट रहता है जो कि आपने डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में आपको जो है केसिन आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम केसिन को मिल्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करनी है तो आप करेंगे आगे चलकर सो इट इज़ कंप्लीट प्रोटीन तो केसिन क्या है जो मिल्क में प्रेजेंट दूध में प्रेजेंट रहता है वो कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें ऑल इशेंशियल अमाइनो एसिड है वो कौन कौन से ईशेंशियल अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन लाइसिन थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन मिथ्योनाइन वेलिन तो यह है आठ ईशनशियल अमाइनो एसिड जो कि कंप्लीटली प्रेजेंट रहते हैं केसिन में सो इट इज कंप्लीट प्रोटीन यही कंप्लीट प्रोटीन है उसके बाद ग्लाइडियंस ऑफ मेज लैक्स इन ट्रिप्टोफैन जो मेज रहता है जो मक्का रहता है मक्के में क्या होता है मक्के में ग्लाइडियंस नाम का एक प्रोटीन रहता है जिसमें कि अमाइनो इशेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं सारे के सारे लेकिन उसमें ट्रिप्टोफेन नाम का एशेंशियल अमाइनो एसिड कम रहता है मतलब अगर आपको एम में आपकी एग्जामिनेशन होती है एम फॉर्मेट में आपका कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करते है तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि केसिन कंटेन हाउ मेनी इशेंशियल अमाइनो एसिड एंड ग्लाइडियंस कंटेन हाउ मेनी अमाइनो एसिड तो आपको बताना पड़ेगा कि केसिन कंटेन द एट टाइप्स ऑफ इशेंशियल अमाइनो एसिड वाइल द ग्लाइडियंस कंटेन द सेवन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लाइडियंस लैक ट्रिप्टोफैन जो भी ट्रिप्टोफैन रहता है वो ग्लाइडियंस में प्रेजेंट नहीं रहता वो ऑब्सेंट रहता है इसीलिए जो है वो ग्लाइडियंस ऑफ मेज लैक इन ट्रिप्टोफैन और द केसिन ऑफ मिल्क कंटेन द ऑल दीज इसशियल अमाइनो एसिड सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट प्रोटीन इसीलिए केसिन जो है वो कम्प्लीट प्रोटीन है और ग्लाइडियंस जो है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है तो आपको कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि केसिन इज अ प्रोटीन तो आपको जो फिलिन द ब्लैंक्स रहेंगी उसमें क्या लिखना पड़ेगा कम्प्लीट एंड ग्लाइडियंस का आपको फिलिन द ब्लैंक्स ऐसा आ सकता है कि ग्लाइडियंस आर इज द टाइप ऑफ प्रोटीन तो उसमें आपको क्या लिखना है इनकम्प्लीट क्यों क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन जो है वो अपसेंट रहता है या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्टोफेन इज ऑबसेंट इन विच प्रोटीन तो आपको क्या बताना है ग्लाइडियंस इज द प्रोटीन विच लैक द ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफेन इज अपसेंट इन ग्लाइडियंस तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड रहते हैं ईशनशियल अमाइनो एसिड एट टाइप्स ऑफ ईशनशियल अमाइनो एसिड रहते हैं जो कि है ट्रिप्टोफैन फिनिलइन लाइसिन थ्रिवूनिन वैलिन मिथियोनाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन उसके बाद देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि अमाइनो एसिड हमें बाहर से दिखाई देता है तो अमाइनो एसिड आर दे वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस अमाइनो एसिड क्या है वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो भी अमाइनो एसिड हम देखते हैं या फिर उसकी टेस्ट करते या फिर हमें प्रैक्टिकल के दौरान दिया जाता है वो कैसा रहता है वाइट क्रिस्टलाइन क्रिस्टल जैसा रहता है वो सब्सटेंस रहता है उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी दे आर सोलिबल इन वाटर एंड इन सोलिबल इन ऑर्गेनिक सोलव तो अगर आपको अमाइनो एसिड का सैंपल दिया गया तो आप क्या करेंगे अमाइनो एसिड का सैंपल जो है टेस्ट ट्यूब में वाटर लेंगे और वाटर में डाल देंगे तो वो क्या होगा अमाइनो एसिड वाटर में सोलिबल होगा अगर वही आपने टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर आपने अमाइनो एसिड डाल दिया तो वो क्या होगा आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोलिबल होगा वो सोलिबल नहीं होगा वो अपर लेयर पे इकट्ठा होगा जमा हो जाएगा इसीलिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड वाटर में सोल्यूबल है या नहीं या फिर इन इनसोलिबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या फिर नहीं तो ये जो है वो प्रैक्टिकल के मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है जो भी आपको दिखता है क्रिस्टलाइन है वाइट क्रिस्टलिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मतलब ये आप प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा क्या रहता है प्रैक्टिकल रहता है उसके बेसिस पर जो है निर्धारित की जाती है उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं दे वेरी इन द टेस्ट जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड रहते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं एट टाइप्स ऑफ ईशनशील अमाइनो एसिड उसमें ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन जो भी अलग अलग टाइप्स के अमाइनो एसिड है वो अलग अलग टेस्ट यहाँ पर शो करते हैं इसीलिए प्रॉपर्टी में बताया गया है बताया गया है कि अमाइनो एसिड वेरी इन द टेस्ट अमाइनो एसिड में भी टेस्टलेस अमाइनो एसिड कैसे रह सकते टेस्टलेस रह सकते मतलब कुछ कुछ अमाइनो एसिड को क्या रहेंगे टेस्ट रहेंगे कुछ कुछ अमाइनो एसिड टेस्टलेस रहेंगे मतलब उन्हें कोई भी टेस्ट नहीं रहेंगे कुछ कुछ अमाइनो एसिड स्वीट रहेंगे वो मतलब शक्कर जैसे रहेंगे और कुछ कुछ अमाइनो एसिड बिटर रहेंगे आंवले या फिर आम जैसे रहेंगे उसके बाद चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस के दौरान क्या रहता है उनका मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है मेल्टिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच एट व्हिच द कंपाउंड और द सब्सटेंसेस चेंज इट्स फिजिकल शेप अगर ये देखिए यहां पर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है अगर अमाइनो एसिड को हीट किया जाता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के दौरान तो वो क्या करेगा वाइट क्रिस्टल इन सब मतलब सॉलिड स्टेट है तो वो सॉलिड स्टेट से चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में एट विच टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस तो आपको बहुत ही सावधानी से जो है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान में रखने क्यों क्योंकि अगर आपको बाई चांस एम पूछे जाते तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड कितना है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तो छठी और सा पाँचवीं और छठवा जो है प्रॉपर्टी देख लेते ऑल नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड आर लिवर रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव जो भी अमाइनो uh, एसिड रहते हैं वो लिवो रोटेटरी दो टाइप्स के रोटेशन uh, रहते हैं डेस्टो और लिवो तो लिवोर रोटेटरी या सारे अमाइनो एसिड रहते हैं लेकिन जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता लियो या फिर डेस्टो अमाइनो एसिड हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड पे फ्री अमाइनो ग्रुप रहता है प्रेजेंट और कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है उसके बारे में जो भी डिस्कशन होगा अमाइनो एसिड का वो कौन सा अमाइनो ग्रुप रहता है क्या वो प्रॉपर्टी शो करता है उसके बाद जविटर आय क्या रहते हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू